दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बेला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज टिक कोड। और दोस्तों टिक कोड एक्चुअल में क्या है, कैसे टिक कोड को यूज करते हैं, टिकटॉक के अंदर में टिक कोड क्या होता है और कैसे इसको यूज करना है, सारा कुछ हम इसको समझाने वाले हैं आपको इस वीडियो के अंदर में। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, फूरे गेट मोर गूगल रिव्यूज। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने गूगल पेज का या बिजनेस पेज का रिव्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, तो फूरे ऐप को आपको करना होगा डाउनलोड और इसके थ्रू आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने रिव्यूज बढ़ा सकते हैं। और रिव्यूज बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आपके ग्राहक और बढ़ेगा आपका बिजनेस, तो भूलिए मत और डाउनलोड करिए फूरे ऐप। तो दोस्तों अब हम जाते हैं टिकटॉक के अंदर में। टिकटॉक में जाने के बाद में आप जब अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, तो बताना चाहता हूं दोस्तों कि टिकटॉक के अंदर में जो टिक कोड है वो क्या है। तो भाई टिक कोड आपको जो है कहाँ मिलेगा, सबसे पहले वो आपको वो बता देता हूं। जब आप किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं, सर्च करते हैं, तो उस समय आप देखेंगे ऊपर एक स्कैनिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और जैसे ही आप वो स्कैनिंग वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको इस तरह से टैप टू टर्न लाइट इस तरह से स्कैन का दिखाएगा। इसके नीचे आप देखेंगे माय टिक कोड का एक ऑप्शन दिया गया है। तो माय टिक कोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको अपना खुद का टिक कोड देखने को मिल जाएगा। अब भाई ये टिक कोड क्या वाला है? टिक कोड एक प्रकार का क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड जैसे आप दूसरे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा कि एक इंस्टाग्राम के अंदर में भी कोड रहता है, जिससे आप जो है किसी की भी प्रोफाइल को डायरेक्ट उसको स्कैन कर सकते हैं कोड को, और उसके बाद में उसकी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से सेम यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिया गया है स्कैन करने का किसी भी प्रोफाइल को, और जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको प्रोफाइल अपने आप दिख जाएगी। अभी बात आती है कि खुद का टिक कोड अगर किसी को भेजना है तो कैसे भेजें। ये आपका खुद का टिक कोड है, इसको भेजना है तो नीचे आप देख सकते हैं सेव क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप करेंगे तो क्यूआर कोड आपका जो है फ़ोन में सेव हो गया। व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जहाँ से भी आपको उसको भेजना है मैसेंजर से उसको भेज दीजिए। उस व्यक्ति को क्या करना होगा, उसको जाना होगा स्कैन के अंदर में। तो यहाँ पे ये जो स्कैन का ऑप्शन है, स्कैन पे क्लिक करिए। अब अगर आपको पास में डायरेक्ट कोई स्कैन करने के लिए है तो ठीक है, अदरवाइज आप एल्बम पे क्लिक कर सकते हैं। एल्बम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे उस क्यूआर कोड को उठाइए और कंफर्म पे नीचे क्लिक करिए, और करने के बाद में आप देख सकते हैं उसकी प्रोफाइल खुल गई। फिलहाल मैंने खुद का क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन किया था, इसीलिए मुझे जो है खुद की प्रोफाइल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी उसकी प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी और उसको आप फॉलो कर लेंगे, है ना। सपोज़ कई बार क्या होता है कि आपको उसकी प्रोफाइल किसी व्यक्ति की नहीं मिलती है, तो उससे आप उसका टिक कोड मंगा सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में किसी की अगर आपको यूज़र नेम से आप सर्च कर रहे हो नहीं मिल रहा है, तो आप उसका क्यूआर कोड मंगा लेते हैं और उससे वहाँ पर स्कैन कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों दूसरे की अगर प्रोफाइल अगर आपको देखना है, स्कैन करना है, तो उसको आपको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले जाना है अपने वही बैग चले आते हैं, डिस्कवर के अंदर में जाइए। और डिस्कवर में जाने के बाद में आपको जो है इधर पे ऊपर आपका स्कैन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे दूसरे के क्यूआर कोड को सामने लगाना है, और देख सकते हैं सामने वो प्रोफाइल देखने को मिल रही है, और करने के बाद में आपको उसको फॉलो कर देना है। तो इस तरह से जो है आपका फॉलो वहाँ पर हो गया, मैसेज आपका जो है आप उसको कर सकते हैं। अगर दोनों जन फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो फॉलो कर सकते हैं। तो भाई सिंपली क्यूआर कोड जो है, टिक कोड यहाँ पे क्यूआर कोड है, जिससे आप किसी की भी प्रोफाइल को डायरेक्ट देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी को भी अपनी प्रोफाइल जो है सोशल मीडिया में डालनी कि भाई आप ये हमारी प्रोफाइल है, तो वहाँ पे आप अपने टिक कोड डाल सकते हैं। उस टिक कोड को लोग साइन अप करके स्कैन करके आपकी प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे और आपको फॉलो कर लेंगे। दोस्तों आपको ये ज्ञान कैसा लगा, आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और बताइए हमें आगे अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए है इससे रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों, बनी रहिए टेक बेला में।